ये रिश्ता क्या कहलाता है। अचानक हमें बुलवा लिया होता, बुलवा लेते तो फिर सरप्राइज कैसे देते, है ना जी। बस वो कीर्ति बिटिया से मिलने का बहुत मन था और मनीष जी को भी देखना था और फिर संगीत के बारे में भी बातचीत करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही चले आए। आपको परेशानी हुई क्या? माफ कीजिए हम ऐसे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, आपका ही घर है, जब चाहे आ जाइए। आपकी तबीयत कैसे मनीष जी? बिल्कुल ठीक हो? हाँ हाँ। गुड़िया रानी कैसे चल रही है तैयारी? संगीत का जोड़ा तैयार हो गया? अरे आजकल तो वो चला है ना, वो लड़का लड़की दोनों मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं, तुमने भी कुछ ऐसा सोचा है क्या? अरे शर्माओ मत बेटा, दिखाओ ना क्या बनवाया है। बताओ बेटा। बताइए ना। मैं ये पहन रही हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर है, देख तो जरा। हाय, कैसा है? बहुत सुंदर है, कीर्ति जी पर काफी सूट करेगा। दूल्हा दुल्हन की पसंद कैसी मिलती है? हाँ। हम तो कहते हैं कीर्ति, नक्श का सारा कपड़ों का चुनाव तुम ही करो। नहीं दादी, मुझे उनकी पसंद अभी अच्छे से कहाँ पता है, ये तो नायरा ने ही सिलेक्ट किया है। अरे वाह, मैंने बहुत ट्राई किया था पर मुझे कुछ नहीं समझ आया। अरे वाह नायरा, तुम्हारी तो बहुत अच्छी चॉइस। हाँ हाँ, हमारी नायरा बिटिया की पसंद तो है ही अच्छी जमाई साहब। और नायरा को अच्छा भी लगता है बहुत सबके लिए करना। हाँ। अब देखिए ना, अपने भाभी के लिए कितना अच्छा जोड़ा निकाला चुन के। हाँ। नायरा बेटा, अपने भाई के लिए भी तू ही चुन लेना। हाँ हाँ। और वैसे भी मैं तो सब कुछ नायरा पर ही छोड़कर बैठा हूँ, जो वो डिसाइड करेगी वो ही पहन लूंगा। भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा क्यों कीर्ति? हाँ नायरा है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई भी प्यार करेगा। अब आइए ना, बैठिए ना प्लीज। माँ जी, देखा आपने, यहाँ भी क्राउन नायरा के ही सर पे है। हाँ नायरा, तू एक बार घर आ जा, फिर हम सब मिलकर संगीत के लिए थीम डिसाइड करेंगे। ओके भाई। हाँ हाँ नायरा, और फिर सबके कपड़े भी तो तय करने हैं ना तुम्ही को। हाँ, और साज सजावट गाना ये भी तो नायरा बिटिया तुम्ही बताओगी ना। और हाँ, सबसे जरूरी काम, हमें डांस रिहर्सल कौन करवाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर वक्त सबके सब नायरा नायरा क्यों कहते रहते हैं, क्या नायरा के बिना कोई काम हो नहीं सकता? अगर यही हाल वहां रहा तो कीर्ति अपनी जगह कैसे बना पाएगी? माँ जी बेचारी हर्ट हो जाएगी वहां जाके। नायरा,
तुम जरा हमारे साथ चलो, काम है थोड़ा। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं। चलिए तो फिर संगीत की सारी बातें अभी तय कर लेते हैं ताकि तैयारियां शुरू हो सके। बिल्कुल, हमारी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना और बिना मतलब कोई गलत मतलब मत निकालना मेहरबानी करके। सगाई के दिन हमने तुमसे कहा था ना कि शादी कीर्ति और नक्श की है तो हर बात का केंद्र बिंदु उन्हीं को होना चाहिए। जैसे तुम्हारी शादी में हर बात, हर चीज, हर रस्म का केंद्र तुम थी या कार्तिक था, उसी तरह अब इस बार सब कुछ कीर्ति के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? पर नहीं हो सकता, क्योंकि हर बात तुम पे आके रुकती है और जब तक तुम वो जगह खाली नहीं करती कोई और उस पे आके बैठ ही नहीं सकता। तुम यहाँ अपना घर, अपने पति को देखो और वहां के लोग, उस घर की हर चीज अब कीर्ति की जिम्मेदारी है, वो उसे लेने दो। उम्मीद है तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी और उस पे अभी इसी पल से अमल करना शुरू करोगी। मुझसे नहीं हो रहा नायरा, कल फंक्शन है और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ नायरा। तुम बात बात में ऐसे हिम्मत कैसे छोड़ देती हो कीर्ति? वैसे भी संगीत की आधी जिम्मेदारी तो नायरा ने ले रखी है, जो चार काम तुम्हें बताए वो भी नहीं कर सकती, क्यों? पता नहीं दादी, मुझे डर लगता है बहुत कोई भी फैसला लेने से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमें कमजोर लोग पसंद नहीं है कीर्ति। जो काम तुम्हें दिए गए हैं वो जाके करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, उनकी बहू तो कुछ कर ही नहीं सकती। प्लीज दादी, आप नायरा से कहिए ना मेरी हेल्प करें, अभी मुझसे नहीं होगा अकेले, अभी ऑलरेडी बहुत टेंशन है दादी, इसलिए बस अभी मत कहिए। कीर्ति दी, अब कोशिश तो कीजिए, हो जाएगा। टाइम कहाँ है नायरा, कल संगीत है और तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम जिम्मेदारी लोगी, सबके सामने कहा था तुमने नायरा। प्लीज, ठीक है दी, मैं देखती हूँ। देखती हूँ नहीं नायरा, तुम्हें करना होगा। देखो देखो, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि मेरे संगीत में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, प्लीज नायरा। नहीं होने दूंगी दी, आई प्रॉमिस। सिर्फ संगीत ही नहीं, पूरी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच नायरा। कीर्ति, क्या बता? कम ऑन कीर्ति, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सारा काम हो जाएगा, बस स्माइल किया कर, समझी? दादी, कितना भी समझा लो तुम्हें, तुम मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आओगी। दादी, आपने देखा ना दी किस तरह? हाँ देखा हमने, घबरा रही थी वो, कोई भी लड़की घबराती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी सारी जिम्मेदारी हम ले लें, कभी कभी मदद ना करना ही सबसे बड़ी मदद होती है, ये कब समझोगे तुम? नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने सबके सामने हाँ कहने के बावजूद भी की दीदी की हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश की कि वो अपने फैसले खुद ले सके, पर वो इतनी डरी हुई है कि किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। दादी, आपकी परेशानी सिर्फ ये है कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस चक्कर में हम बिना मतलब की कीर्ति दी को तकलीफ दे रहे हैं, जो कि अवॉइड हो सकती है। आई एम सॉरी दादी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने इंप्रेशन से ज्यादा अपनी ननद की चिंता है, और मेरे रहते हुए
भाई और कीर्ति दी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कीर्ति दी क्या आई? ये सारा काम आपका है और आप ही करेंगे। घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। और मैं भी। ये रिश्ता क्या कहे।